तो प्रमोद भाई की 5 साल की लव स्टोरी थी। जैसे परी खोज के ले जाएंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पहाड़ी शादी की मेहंदी में क्या क्या होता है, और मैंने सुबह से लेकर शाम तक आपको दिखाया कि क्या क्या हमने काम किए। तो ये अगला दिन है, और आज जहां मेहंदी थी वहां शादी है और लड़के की बारात है। तो बारात जाएगी एक नजदीकी गांव है सुमेरपुर, तो वहां बारात जाएगी। और जो सुमेरपुर गाँव है वो रुद्रप्रयाग से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है। यानी कि नज़दीक की बारात है, तो शायद बारात थोड़ी लेट ही जाएगी, आराम से जाएगी और आराम से आएगी, तो खूब इंजॉय होगा आज की बारात में। तो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दगड़ियों, मेरा नाम सचिन कठैत और मैं स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। तो शादी की वीडियो तो आपको काफी पसंद आती है, तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। सामने आपको बहुत सारे घर दिख रहे होंगे, तो वहां पर भी एक बारात है और वहां की बारात जाने वाली है, लेकिन जिस बारात में हम जाएंगे वो थोड़ी देर में जाएगी, क्योंकि उस बारात को काफी नजदीक जाना है, इसलिए वो बारात आराम से जाएगी। मंगल स्नान भी आराम से होगा, और मेरे साथ यहाँ पर परवीन है, परवीन भी बारात में जाएगा। तो परवीन कैसा लग रहा है बारात में जाने के लिए? एक्साइटेड? ऑफ कोर्स। तो परवीन भी काफी उत्साहित है बारात में जाने के लिए, और मैं भी, और आप भी काफी उत्साहित होंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आपको भी बारात में लिए चलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ सामने पर खाना बन रहा है और ऊपर मंगल स्नान होगा थोड़ी देर में, तो अभी चलते हैं। स्नान अभी हो चुका है और अभी नाश्ता करते हैं, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया है। वो पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं बारात के लिए। ये हमारे भगवान भाई जी जो कि नाश्ता रख रहे हैं। अभी मेरा नाश्ता हो चुका है यार, और नाश्ता तो कर दिया है, अब सीधे घर जाते हैं और तैयार होते हैं बारात के लिए। अभी यार बारात में जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ तरुण भाई है, इस साइड परवीन है, और गोली अभी तैयार हो रहा है, तो अभी बारात में चलते हैं। ज्यादा दूर की बारात तो है नहीं, इसलिए अभी लगभग 12 बज चुके हैं और बारात गई नहीं है, तो सीधे प्रमोद भाई के घर पे मिलते हैं। तो प्रमोद भाई तैयार हो चुके हैं, दूल्हे राजा, और रेडी हो चुके हैं प्रमोद भाई। तो प्रमोद भाई की जो शादी है वो लव मैरिज है। तो प्रमोद भाई कितने साल की लव स्टोरी थी? अरे बताऊंगा, तो प्रमोद भाई की 5 साल की लव स्टोरी थी और आज शादी में तब्दील हो रही है। ठीक है प्रमोद भाई, थैंक यू। और ये हमारे संजू भाई बिल्कुल रेडी है बारात में जाने के लिए, ये प्रमोद भाई और ये करण भाई, तो सभी तैयार हैं लगभग बारात में जाने के लिए। बारात ने प्रस्थान कर दिया है। ये
ऊंच घोड़ी माँ बैठू बर ऊंच घोड़ी माँ बैठू बर फूल मारो न वे गितार फूल मारो न वे गितार भालू स्वाणु लागुणु बर जानु भागे बान हुएलो तक ढींग तालो ढींग तालो 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 और बस फुल हो चुकी है। बारात अभी पहुंच चुकी है सुमेरपुर गांव में और बस में हम खड़े होकर आए, लेकिन जो सफर था वो काफी छोटा था तो इसलिए काफी मजा आया बस में खड़े होकर आने में भी। और बारात पीछे पहुंच चुकी है, तो बारात पहुंच चुकी है सुमेरपुर में और आज हम बॉबी भाई के लिए भी यहाँ से बुआरी खोज के ले जाएंगे। ठीक है बॉबी भाई, तो बॉबी भाई ने खोज रखे बुआरी, लेकिन फिर से हम खोजेंगे बॉबी भाई के लिए बुआरी। तो सुमेरपुर के इस लॉज में यहाँ पर आज शादी होगी, तो हवा भी चल रही है, जो बारात है वो सामने से ला रहे हैं ताकि बढ़िया सा व्यू आ सके, बढ़िया सी वीडियो आ सके। वैसे सीधे बारात यहाँ पर भी आ सकती थी, लेकिन बारात को थोड़ी दूर से ला रहे हैं पैदल चला के। वाले 2100 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 1100 रुपए देंगे। चल तो लड़के वालों ने 1100 दे रहे हैं और लड़की वाले 2100 मांग रहे हैं। लड़की वाले 2100 मांग रहे हैं लेकिन हम 1100 में निपटाना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता आगे। तो लॉज में शादी है तो छत में है ऊपर सब व्यवस्था, तो सभी ऊपर की ओर जा रहे हैं अभी। सभी लाइन में लग चुका है खाना खाने के लिए और खाने की व्यवस्था यहाँ पीछे है, तो खाने के लिए सभी लग चुका है। अभी ऊपर वरमाला होने वाली है, जो वरमाला हो रही है वो छत पे हो रही है और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। तो पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा, तो उसके बाद ऊपर चलते हैं और उसके बाद वरमाला में शामिल होते हैं। और फिलहाल पहले क्या करते हैं भाई, पहले खाना खाते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, खाना खाते हैं। खाना आ चुका है, सब खाना ला चुका है और बैठे हुए हैं। सामने पे बहुत ही भयंकर लाइन लग चुकी है खाने की। तो खाना सभी ने खा लिया है और अब वरमाला में जाते हैं। हमारे पंडित जी, ये हमारे ब्राह्मण जी, कुछ बोलिए। हमारे पंडित जी हैं और अभी हम वरमाला में जा रहे हैं।
सुब दिन बार आयो चा सुब दिन बार आयो चा आज पोणो न चौक भरियो चा आज पोणो न चौक भरियो चा साबी गेल्या रंग मत बाण्या चा ढोल दमो बाजो तक ढिंग तालो ढिंग तालो तक ढिंग तालो हो ढिंग तालो तक ढिंग तालो ढिंग तालो तक ढिंग तालो हो ढिंग तालो अभी दूल्हा और दुल्हन फेरे ले रहे हैं और फेरे लेने के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। अभी जो रस्म चल रही है तो उसे सासू भेंट कहते हैं और सासू भेंट में क्या होता है कि जो दूल्हा और दुल्हन होती हैं तो उनसे सासू में भेंट करती हैं और उन्हें कुछ उपहार देती हैं। वो बस बिल्कुल फुल हो चुकी है। हम आगे निकालो ना को निकालो ये सवार थे तो बस पूरी फुल हो चुकी है। सभी अनबल हेलो बोल हेलो तो फाइनली बारात पहुंचने वाली है घर के पास ही। उधर अरे वो बारात पहुंच चुकी है अभी जहाँ पर शादी हो रही थी प्रमोद भाई के घर पे। तो सभी लोग आ चुके हैं। हम बस में आए तो बस पूरी भरी हुई थी तो अभी हम पहुंच चुके हैं। रात से सुबह हो चुकी है और कल बारात में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको भी वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो आपके मन में आ रहा है कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।